नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच की बात। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। मेरठ से खबर, जहां पर साध्वी प्राची ने दिया विवादित बयान। नेहरू पर साध्वी प्राची का विवादित बयान, अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया। अखिलेश की सरकार थी बलात्कारियों के साथ, उन्नाव कांड के दोषियों को कड़ी सजा देनी चाहिए। हैदराबाद पुलिस की साध्वी ने प्रशंसा की है। तो वही मेरठ में साध्वी प्राची ने मीडिया से बातचीत में ये बातें कही। उन्होंने उन्नाव की घटना की निंदा की। उन्होंने हैदराबाद एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे लोगों से पूछा कि वो पहले कहां थे। मेनका गांधी के बयान को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। देश के कानून को उन्होंने लचर बताया। सीएम योगी ने उन्होंने उन्नाव के दोषियों का एनकाउंटर करवाने की मांग भी रखी। लेकिन इन सबके बीच पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी उन्होंने विवादित बयान दिया। ये देश हिंदुस्तान राम और कृष्ण का देश रहा है, और आज जो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि रेप कैपिटल हो गया हिंदुस्तान, मुझे तो शर्म आ रही है ये बात सुनकर के। अरे राहुल गांधी से मीडिया को पूछना चाहिए, सबसे बड़ा रेपिस्ट तो नेहरू था जिसने राम और कृष्ण की संस्कृति को बर्बाद किया है। ये नेहरू खानदान की तो देन है, चाहे आतंकवाद हो या नक्सलवाद हो या भ्रष्टाचार हो या फिर आज जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हो, ये सब नेहरू खानदान की देन है। हिंदुस्तान के अंदर राम और कृष्ण का देश था ये। साधु जी, इस सवाल में आखिरी सवाल है, लगातार रेप को लेके भी राजनीति चल रही है, शादी धर्म में रेपिस्टों को बांटा जाना, आप क्या कहेंगे? देखिए, रेपिस्ट रेपिस्ट है, चाहे कोई भी, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो साध्वी प्राची ने किस तरह से यहां पर बयान दिए और नेहरू तक को घसीट लिया, उसकी तस्वीर, उसके बयान आपने सुने। तो साध्वी प्राची के बोल बिगड़े और सीधे नेहरू को भी उन्होंने अपने बयानों में खींच लिया। मेरठ की यह तस्वीर है। मेरठ में ही साध्वी प्राची पहुंची थी, जहां पर उन्होंने यह बयान दिया। अखिलेश पर साध्वी प्राची ने निशाना साधा। ब्यूरो चीफ केके शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। केके, जिस तरीके का रुख अख्तियार किया यहां पर साध्वी प्राची ने, सीधे तौर पर नेहरू से लेकर और अखिलेश यादव तक, उन्होंने सभी को इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया, क्या कुछ कह रही थी वहां पर? जी तुषार, आपने सारा वर्जन उनका सुना है। उन्होंने जो बयान दिया है वो वाकई सुनने के बाद तकलीफ होती है, और ऐसे में ध्यान उन आरोपियों से हट जाता है जो रेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम देते हैं। उन्होंने नेहरू और दूसरे लोगों के ऊपर जो ये फिक्रे कसे हैं, ये वाकई शर्मनाक तो है, लेकिन क्या उन बलात्कारियों को छोड़ दिया जाएगा? क्या उन बलात्कारियों पे से ध्यान हट जाए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को कहीं ना कहीं हिलाकर रख रखा है? योगी शासन बहुत सख्त आदेश दे चुका है, एनकाउंटर भी हो रहे हैं, और महिलाओं के प्रति, महिलाओं के होने वाले जो अपराध है उनके प्रति, जो अपराध होते हैं उनके प्रति संवेदनशील भी है। लेकिन बावजूद इस तरीके के गाय भगाए जब भी बयान आते हैं, वो बयान उन लोगों से अलग हट जाते और नई तरीके की चर्चाएं शुरू हो जाती है। साध्वी प्राची एक समझदार नेता भी है, साध्वी भी है, और धर्म की बात भी करती है। उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो अब नहीं है। उनके ऊपर इस तरीके के बयान करके वो उन लोगों की मदद कर रही है जो समाज के लिए कहीं ना कहीं चेतावनी भी देते हैं और खतरा भी पैदा करते हैं। यहाँ पर अगर वो उन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलती जो बलात्कारी है और जो बलात्कारियों के समर्थन में बोलते हैं, तो आज उनके ज्ञान की प्रशंसा होती। लेकिन यही सबसे बड़ी दुखदायी बात है कि उन लोगों के खिलाफ बयान देकर बलात्कारियों को बचाने की ये जो मुहिम है, ये कहीं ना कहीं उन्नाव जैसे जिले में कानून व्यवस्था के ऊपर जिक्र करने से रोकती है तुषार। लेकिन कहीं ना कहीं ये वही नेता होते हैं जिनसे उम्मीद जनता लगाती है कि ये कुछ ऐसे कड़े कानून बना देंगे जिसके आधार पर, जिन कानूनों के आधार पर ये रेपिस्ट सजा पाएंगे। लेकिन जो नेता तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो, जो नेहरू और तमाम दूसरे नेताओं को दोषी ठहराते रहे अपने तमाम मुद्दों में, तमाम बयानातों में, उनसे कैसे उम्मीद जनता कर ले? जी, और इन उम्मीद इसीलिए साध्वी प्राची जैसे लोग शायद बीजेपी की कार्यकारिणी में शामिल नहीं होते। हम आपको बताएं कि जब हम एक डेढ़ साल पहले मेरठ में कार्यकारिणी की बड़ी बैठक हुई थी जिसमें अमित शाह भी आए थे और राजनाथ भी आए थे, उनको तीसरे दिन, दूसरे दिन बुलाया गया था, उनको नहीं शामिल किया गया था, क्योंकि मालूम है कि उनके ये सारे वर्जन सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं, क्योंकि सरकार बलात्कारियों के खिलाफ बड़ी संवेदनशील है और कहीं से भी इन बलात्कारियों को छोड़ने के मूड में नहीं है। भारत के हर कोनों में बलात्कारियों के खिलाफ मांग उठ रही है। अगर आप नेहरू को बलात्कारी कहते हैं तो आप संविधान को के ऊपर उंगली उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने 1948 से लेकर अपने अंतिम समय तक प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया है। पुराने लोगों को इस चर्चा में घसीट कर ये जरूर उन लोगों का फायदा पहुंचा रही है
जो लोग बलात्कारी, जो लड़कियों के लिए परेशानी, यौन शोषण में लिप्त रहते और अपनी सरकार के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, उन्नाव की घटना वाकई सब लोगों को एकजुट होकर खड़े होने का आह्वान देती है कि अब लड़कियों के लिए हम सब लोगों को एकजुट एक स्वर में आवाज उठानी चाहिए और पुराने खड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, क्योंकि उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि अपराधियों को कहीं ना कहीं आश्रय मिलेगा। और ये जो डिस्कशन है, जो एक संवेदनशील डिस्कशन पूरे देश में शुरू हुआ है, उससे ध्यान भटकेगा और सरकार की पोजीशन खराब होगी। तुषार, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो साध्वी प्राची के बयानातों को सुनकर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये देश इन नेताओं से, इस देश में इन तमाम लोगों से उम्मीद रखता है कि ये कड़े कानून लाएंगे, ये जनता की हिमायत की बात करेंगे, लेकिन ये अपने तुष्टिकरण की राजनीति से ही परे नहीं होते। तो नौ रेप पीड़िता का अंतिम संस्कार आज किया गया, पार्थिव शरीर को दफन किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद परिवार माना, पीड़िता की बहन ने आत्मदाह की चेतावनी तक दी है। एक हफ्ते तक कार्रवाई नहीं हुई तो आत्मदाह कर लूंगी, ये बहन की तरफ से कहा गया। सीएम आवास के सामने आत्मदाह की चेतावनी दी है। योगी सरकार ने 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है, बहन को सरकारी नौकरी और पक्का मकान मिलेगा, ये भी कहा गया। पीड़ित परिवार को सुरक्षा देगी सरकार। तो एक हफ्ते तक कार्रवाई नहीं हुई तो आत्मदाह कर लूंगी, ये बहन की तरफ से कहा गया है। आज दफन किया गया पार्थिव शरीर, ये तस्वीर उसी दौरान की, एक हफ्ते में कार्रवाई नहीं हुई तो आत्मदाह कर लूंगी, बहन की तरफ से चेतावनी दे दी गई है। फिलहाल आज उनके गांव में ही, पैतृक गांव में ही ये शव को यहां पर आज दफन किया गया। फिलहाल रेप पीड़िता का अंतिम संस्कार आज हुआ। मांग यही है कि जैसे हमारी बहन को जलाया गया, उन लोगों को भी सजा होनी चाहिए, उन लोगों को फांसी होनी चाहिए, वैसे ही हमने मांगा। और हम क्या मांग रहे थे उनसे मिलने के बाद, अगर उन्होंने लोगों को फांसी की सजा नहीं सुनाई तो हम वहाँ जाकर आत्महत्या कर लेंगे, ये बात हमने कहा है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम वहाँ आग लगा लेंगे, ये भी दरबार में। आखिर उन्नाव की एक बेटी ने इस आस में अपनी दम तोड़ दी कि वो अपने आंखों से अपराधियों को फांसी पे झूलता देखना चाह रही थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई। कल जब उसका शव गांव आया तो यहां कोहराम मच गया। हालांकि आज सुबह से लेकर के लगातार परिजन अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए थे और पीड़िता का अंतिम संस्कार इसी को लेकर रुका हुआ था, लेकिन जब प्रशासन ने और सरकार ने कमिश्नर और आईजी को यहाँ पर भेजा, साथ ही दो मंत्रियों को भी भेजा, तो उन लोगों ने परिवार से बात करके आखिर परिवार को इस बात के लिए राजी कर लिया कि अब उसका अंतिम संस्कार होगा। हम दिखाएंगे कि उस पीड़िता का इस समाधि बनाई गई है, ये समाधि अभी टेम्परेरी तौर पे यहाँ पर बनाई गई है और इसको आगे चल के इसे पक्का किया जाएगा, कि जैसा परिजन मांग कर रहे थे कि इसे जो है समाधि को पक्का किया जाए, इस पर छत्र बनाया जाए और वो एक समाधि जो हमेशा उसको एक मजबूत इरादे वाली लड़की की याद दिलाए। तो कहीं ना कहीं अब जो सरकार है वो भी इस बात को लेकर के काफ़ी संजीदगा है कि वो पीड़ित के परिवार को हर सुविधा मुहैया कराना चाहती है। हालांकि जब सुबह परिवार ने मना किया कि जब वो अंतिम संस्कार तब करेगी जब उसकी मांगे मांग ली जाएंगी, तो इस बात की मांगे जो थी वो मान भी ली गई। पीड़ित के परिवार को शस्त्र लाइसेंस, मकान और साथ में जहां आप देख रहे हैं ये खेत भी पीड़ित के परिवार को दिया गया है सरकार की तरफ से। और यहां पर उस जमीन पर अगर आगे चल के पीड़ित के परिवार अपना मकान बनाना चाहे या खेती करना चाहे वो भी एक सुविधा थी। इसको लेकर के अब समाधि तो बन गई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर मामला इतना गंभीर है कि कई थानों की फोर्स लगाई गई है जो अभी भी यहाँ पर इंतजार कर रही है। गांव के लोग अभी भी कुछ गमगीन बैठे हुए हैं। हम दिखाएंगे कि गांव के लोग जो उस बच्चे से जुड़े हुए थे वो अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार उनकी जो सुरक्षा को लेकर के अभी भी फोर्स यहाँ पर तैनात है। तो कहीं ना कहीं एक जो उन्नाव की बेटी थी आज हम लोगों के बीच में जमींदोज हो गई है, आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उसके बुलंद हौसले आज भी
लोगों के साथ में है और उसकी याद बनकर हमारे साथ में है। नीरज द्विवेदी, न्यूज वन इंडिया, उन्नाव। तो वही उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मौत होने पर समाजवादी पार्टी ने सूबे के अलग अलग हिस्से में आज शोक सभा का आयोजन किया था। आपकी टीवी स्क्रीन पर सूबे की तीन जगहों की यानी कि उन्नाव, अमरोहा और फतेहपुर की तस्वीरें हैं जहां समाजवादी पार्टी ने शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। शोक सभा पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा कि सरकार से अपराध काबू नहीं हो पा रहा जिससे महिलाओं की आबरू सुरक्षित नहीं है। तो अमरोहा, अमेठी और फतेहपुर तीन जगह की तस्वीर देखिए। आज शोक सभाएं की गई। शोक सभाओं में उन्नाव की बेटी के लिए उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ईश्वर से की गई, उसकी आत्मा की सदगति के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही साफ उन दरिंदों के लिए कड़ी से कड़ी सजा हो, उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उस पीड़िता की आत्मा को शांति मिले, इसकी प्रार्थना की गई। तो 2 मिनट का मौन रखा गया तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से और शोक सभा की गई। तो सपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखा, मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। तो वहीं नोएडा में उन्नाव रेप पीड़िता को न्याय दिलाने और शांति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी ने हवन का आयोजन किया। सेक्टर 31 के निठारी में एक हवन के दौरान सपा नेताओं ने सरकार से कठोर कानून बनाने की मांग की ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हवन के दौरान की तस्वीरें जब उन्नाव रेप पीड़िता की आत्मा की शांति के लिए यह हवन किया गया था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से। सरकार से कठोर से कठोर कानून बनाने की आज मांग की गई है। उन्नाव मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी आज निठारी के पास में अशांति हवन कर रखी है। ये जानते किस चीज को लेकर हवन कर रखी है? राघवेंद्र दुबे, आज निठारी सेक्टर 31 नोएडा में हमने हवन किया, इसके बाद प्रार्थना सभा की। उन्नाव रेप पीड़िता को जिस तरीके से बैसी दरिंदों ने जला करके मार डाला, आज उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए समाजवादी पार्टी ने आज हवन किया है और प्रार्थना सभा भी की। और सही मायने में उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी, हमने हालांकि यज्ञ हवन किया है, प्रार्थना भी भगवान से की कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस बेहद दुख को सहने की शक्ति मिले। लेकिन उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इन दरिंदों को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने, बलात्कारियों ने उस महिला को, उस बेटी को जला करके मार दिया और पूरी कानून व्यवस्था देखती रह गई उत्तर प्रदेश की, जो दावा करते थे कि उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतरीन कानून व्यवस्था होगी, आज देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और बहन बेटियों का निकलना मुश्किल है। उन्नाव ही नहीं, बहुत सारे जिलों में, उन्नाव में अकेले 90 बलात्कार के केस हो गए। इसके अलावा तमाम चिन्मयानंद से लेकर के कुलदीप सेंगर, उनके पार्टी के लोग बलात्कार में फंसे हुए हैं और सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। रेप के साथ वो महिला को, हमारी बहन बेटियों को जला रहे हैं और उनका मनोबल बहुत ऊंचा है, उस चीज़ के लिए वो जो मांग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, जायज़ है। जितने भी ये रेप पीड़ित है या बलात्कारी है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए या उनको गोली मार देनी चाहिए। जिसका परिवार का एक बिटिया जिसको पाला बड़ा और उसको इस तरह की दरिंदगी का शिकार हुई, तो उसके जो माँ बाप है उन पर क्या बीतती है ये तो बेचारों को उन्हीं को ही पता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर धरना भी दिया, यहाँ हवन भी किया और उनकी शांति के लिए, उस बच्ची की शांति के लिए सब लोगों ने मौन धारण किया और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि वो बर्खास्त हो और उस जिस पीड़ित को इस तरह का दरिंदगी की शिकार हुई है उसके माँ बाप को सुरक्षा भी दी जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए जो इसमें दोषी है। तो आपको बता दें समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि योगी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और जो कि उनके जो एक सख्त कानून बनना चाहिए, जो आरोपी है उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। नोएडा से विनायक गुप्ता, न्यूज वन इंडिया। तो भाई बदायूं में 500 रुपए को लेकर होमगार्ड ने 3 ट्रकों को नो एंट्री में घुसा दिया है।
आपको बताएं कि आगे ट्रक का चालान हुआ तो तिलमिला गया ट्रक चालक, लौटकर आया और होमगार्ड को पीटते हुए पुलिस चौकी ले गया। पुलिस ने होमगार्ड के बचाव में चालक को ही पकड़कर हवालात में डाल दिया। आपको बताएं कि पुलिस का आरोप यह है कि होमगार्ड के रोकने पर ट्रक चालक ने उसे पीटा था। ट्रक ड्राइवर की मेडिकल जांच कराने पर शराब पीने की भी पुष्टि हुई है। ये तस्वीर देखिए, ट्रक चालक होमगार्ड को वहां से घसीटते हुए पुलिस चौकी लेकर जा रहा है, लेकिन बाद में पुलिस चौकी में उस ट्रक चालक को ही पकड़कर बैठा लिया गया। 500-500 रुपए लेकर तीन ट्रक चालकों को नो एंट्री में पहले जाने दिया और आगे जाकर जब चालान हुआ तब ये ट्रक चालक फिर से आ गया। थाना क्षेत्र अंतर्गत दातागंज तिराहे पर एक होमगार्ड के साथ मारपीट का प्रकरण सामने आया है, बदतमीजी की गई, जिसमें जांच की गई। जांच से ये पाया गया कि जो व्यक्ति बदतमीजी कर रहा है वो ट्रक ड्राइवर है और जो नो एंट्री में ट्रक ले जाना चाह रहा था और होमगार्ड के द्वारा उस ट्रक को रोका गया, लेकिन जबरदस्ती वो ट्रक ले जाने का प्रयास किया। जब होमगार्ड ने मना किया तो उसने उसके साथ बदतमीजी की। उक्त प्रकरण की जांच की गई, जांच में पैसे के लेन देन की बात जब पूछी गई और उसकी जांच की गई तो इसकी कोई भी बात प्रकाश में नहीं आई, कोई पैसे के लेन देन की बात नहीं हुई थी। और दूसरी बात, इसमें जब ड्राइवर का मेडिकल परीक्षण कराया गया तो मेडिकल परीक्षण के बाद उसमें अल्कोहल की पुष्टि पाई गई। डॉक्टर ने बताया कि शराब पी रखा था और फिर बाद में ड्राइवर से भी पूछा गया, ड्राइवर ने भी इस बात की पुष्टि की, साहब मैंने शराब पिया था और गलती से मेरे से इस तरीके से घटना हुई, मैंने किसी को पैसा भी नहीं दिया था, कोई सी बात नहीं थी, मैं गाड़ी ले जाना चाह रहा था और इसीलिए साहब। तो वही मेरठ से खबर जहां पर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर से सीनियर डॉक्टर ने छेड़छाड़ की है। आपको बता दें कि मौके से जूनियर डॉक्टर ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। सीनियर डॉक्टर के पास बिल पर साइन करवाने गई थी जूनियर डॉक्टर और उसी दौरान यह घटना सामने आई। घटना सामने आने के बाद जूनियर डॉक्टर ने थाने का घेराव भी किया, आरोपी सीनियर डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग की। आरोपी सीनियर डॉक्टर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना के बाद से आरोपी डॉक्टर फरार है, पुलिस तलाश में जुटी है। तो मेरठ का ये पूरा मामला है जहां पर धरती पर जिन्हें मरीजों के लिए भगवान कहा जाता है, दरअसल वो भी ऐसी ही वारदातों में लिप्त पाए जाते हैं। फिलहाल जूनियर डॉक्टर्स ने थाने का घेराव किया, जूनियर डॉक्टर के साथ ही अभद्रता की गई एक सीनियर डॉक्टर के जरिए। एक महिला ने लिख के दिया था कि उन्होंने मुझे घर पे बुलाया और साइन करने के बहाने बुलाया, उसके बाद जो छेड़खानी किया तो इस बार की तहरीर उन्होंने लिख करके दिया है की जांच की जा रही है और जो भी साक्ष्य है उस हिसाब से इस पे कार्रवाई की जाएगी। कोई जो डॉक्टर यहाँ पे कपिल हैं उसमें ईएनटी के हेड हैं, तो उन्होंने जो है कुछ किसी लड़की के साथ कुछ शायद बदतमीज बात की, करेक्ट, वो पुलिस स्टेशन गए और उस लड़की ने शायद अपने पेरेंट्स के कहने पे एफआईआर के लिए वहाँ पे थाने में गई, वो तो उसकी एफआईआर दर्ज की गई, वहाँ पे एफआईआर हो गया तो अब पुलिस वो मामला विधिक हो गया तो वो पुलिस उस पर विवेचना करेगी, विवेचना करके जो भी रिपोर्ट होगी, या पुलिस ने हमको यही बताया कि वो लोगों ने घर पे उनके दबिश दिया लेकिन वो मिले नहीं, तो अगर ये मिल जाते हैं और जेल चले जाते हैं तो वैसे भी ये गवर्नमेंट का रूल है कि अगर 48 आवर्स तक कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी सरकारी जेल में रहता है तो वो सस्पेंड मान लिया जाता है, अपने आप सस्पेंड। यहाँ पर थाने में हम लोगों ने पूरी रिपोर्ट उसकी करा ली है और इस चीज को हम लोग पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे जो है पूरा यकीन है कि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा और जूनियर डॉक्टर्स के लिए ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिसमें वो पेशेंट वेलफेयर में काम करें, आगे बढ़ के करें और निष्पक्ष जांच हो, और हम चाह रहे हैं कि इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन हो जिससे काम करने की स्थिति रहे। यहाँ पर था तो वही आगरा से खबर जहां पर सपा नेता की दबंगई सामने आई। पैसे मांगने पर गैराज मालिक को कार के बोनेट पर बिठाकर दौड़ा दिए कार। आपको बता दें कि कार से गिरने पर गैराज मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल गैराज मालिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गैराज मालिक के समर्थन में बीजेपी के तमाम नेता उतर कर आ गए हैं, तो आरोपी सपा नेता पर भी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर में आपको सब हकीकत साफ नजर आएगी। सपा नेता की दबंगई थी, इस तस्वीर में देखिए गैराज मालिक किस तरह से घायल हुआ है। तो वही शाहजहांपुर का मामला जहां पर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई और पिस्टल और बंदूक की जमकर वहां से फायरिंग की गई। आपको बता दें कि बाल बाल बचे लोग, पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना जलालाबाद इलाके का ये पूरा मामला है। तो पिस्टल और बंदूक के जरिए यहां पर जमकर हर्ष फायरिंग की गई। तस्वीर में आप देखिए किस तरह से यहां पर हर्ष फायरिंग की जा रही है। ये शादी समारोह का है, दौरान का वाक्य है। हाँ हाँ
मास फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पे आया था, जिसमें निर्देशानुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जांच की जा रही है, जिसमें गौरव गुप्ता और अनुपम गुप्ता के खिलाफ लिखा। तो पिस्टल और बंदूक से जमकर यहां पर फायरिंग की गई। शाहजहांपुर का यह वाक्या है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं हर्ष फायरिंग किसने बेखौफ होकर की जा रही है, जैसे इस बात का इल्म इनको हो ही ना कि ये जिस हरकत को कर रहे हैं वो दरअसल गैर कानूनी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई राउंड की यहां पर फायरिंग की गई। तीन राउंड की फायरिंग यहां पर रिवॉल्वर से की गई, इसके बाद दुनाली लाकर उससे भी यहां पर फायर किया गया। तो पांच की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।